हेलो स्टूडेंट, टुडे वी रीड नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3 यूजिंग लैपलास डेफिनेशन ऑफ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस इन चैप्टर 5 लैपलास ट्रांसफॉर्म्स इन स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। 5.3 एक्सरसाइज के चार एग्जांपल्स हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, आज हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे। ये देखो, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। एफ ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पर एफ ऑफ टी आएगा, क्योंकि सारा फंक्शन टी में दे रखा है ना, इसलिए यहाँ पर एफ ऑफ टी आएगा। ठीक है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म बाई डेफिनेशन एफ ऑफ टी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 0 to ∞ ई ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, अब 0 to ∞ को कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना है, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to ∞। तीन जगह ब्रेक होगा ना, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to ∞। अब देखो, वही फंक्शन है ई ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी। ठीक है, अब 0 to 1 के बीच में एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा, 0। अब 1 से 2 के बीच में एफ ऑफ टी कितना आएगा, टी। अब 2 to ∞ के बीच में एफ ऑफ टी कितना आएगा, 0। तो ये दोनों तो 0 हो गए ना, तो ये बच गया 1 से 2 ई ऑफ माइनस एस टी इंटू टी। तो यहाँ पर निकाल लो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का ये लेकर चलेंगे ना, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, और माइनस में फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव 1 और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और सेकंड पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो भाई यू इंटू वी मेथड से, बाई इंटीग्रेशन मेथड से हमने ये सोल्व कर दिया। लिमिट कितनी है, 1 to 2, 1 to 2। पहले 2 रखा इसमें, ये आ गया, फिर 1 रखा, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी ये दे रखा है। ठीक है, वही बाय डेफिनेशन लैपलास ऑफ एफ टी कितना होता है, 0 to ∞ ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। तो 0 to ∞, 0 से 2 और 2 to ∞, यहाँ ब्रेक हो जाएगा ना, 0 से 2 और 2 से ∞ तक, 0 से 2, 2 to ∞ ई ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी। अब 0 से 2 के बीच में कितना लेना है फंक्शन, टी लेना है, ये ले लिया, और 2 to ∞ के बीच में फंक्शन को कितना लेना है, 3 ले लिया। ठीक है, ये फिर वही बाय पार्शियल मेथड, इसका जो इंटीग्रेशन का यू इंटू वी मेथड, उससे सोल्व हो जाएगा ये। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2 to ∞ ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज, और डिवाइड बाई उसका जो पावर दे रखी है उसका माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट इसको सोल्व कर लिया, एक बार टी की जगह क्या रखना है, 2, और माइनस में टी की जगह क्या रखना है, 0। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ गया प्लस 3, यहाँ पर टी रख लिया, चाहे इन्फिनिटी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे, एक बार टी की जगह 2 रखेंगे, माइनस में टी की जगह 0, ऐसे ही इसमें एक बार टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे, वो फिर टी की जगह 2 रखेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पर लिमिट लगाना, चाहे यहाँ पर इन्फिनिटी रख लो, इस लिमिट को हटा दो, चाहे इन्फिनिटी मानकर सोल्व कर लोगे तब भी वही आएगा। ठीक है, ये देखो लिमिट रखने के बाद ये फंक्शन आ गया, यहाँ पर अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ। सिर्फ ग्राफ दे रखा है हमें, फंक्शन के बारे में नहीं पता। ग्राफ क्या दे रखा है, देखो ये डार्क लाइन है ना, एक तो ये फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर k तक, 0 से लेकर k तक लिमिट है, और ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, और फिर k से आगे है ये फंक्शन है। ठीक है, देखो k से आगे k to ∞ ये फंक्शन है, यानी कि बेस लाइन पर, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ये x होता है, सॉरी ये t होता है, और ये f ऑफ t होता है। तो ये t जैसे जैसे k to ∞ जाता है, तो यहाँ पर f ऑफ t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इस पर x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो k to ∞ यानी ग्रेटर देन k के लिए तो क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर y 0 होता है x एक्सिस पर, इसलिए इस t की लाइन पर f ऑफ t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0, तो ग्रेटर देन k। और अब 0 टू k के बीच में ये वैल्यू कितनी है, t है, 1 है, जैसे ही हम t की वैल्यू 1 लेंगे, f ऑफ t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2 लेंगे, तो f ऑफ t देखो बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है, इसलिए क्या लेंगे, यहाँ पर t हो गया। ठीक है ना, हो गया क्लियर, f ऑफ t हमने यहाँ से कैसे निकाला, ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पर भी k है और यहाँ पर भी k है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, t।
और लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है बाई डेफिनेशन, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो वही जीरो टू के लेंगे और के टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई ऑफ माइनस एस टी एफ टी, एफ टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जीरो टू के टी है और के टू इन्फिनिटी के लिए कितना है जीरो, ये आ गया। इसको बाई यू इन टू वी मैथड इंटीग्रेशन का जो मैथड उससे सोल्व कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट एज इट इज सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन और उसका फिर से इंटीग्रेशन, ये कर दिया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइव कोस टी इंटू यू टी माइनस फाइव। ये देखो दो फंक्शन दे दिए, फाइव कोस ऑफ टी और यू, तो ये वही हो गया ना, एफ ऑफ टी माइनस यू, यू ऑफ टी माइनस यू, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, वही हो गया ना ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको क्या लेकर चल रहे थे, देखो जी ऑफ टी, एक फंक्शन मान लिया जी ऑफ टी, तो ये कितना है एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, यही है ना। देखो अब यहाँ पर देखो पाई दे रखा है, ए की वैल्यू पाई दे रखी है ना, देखो पाई पर जीरो से पाई पर वैल्यू लेंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी, जीरो से पाई, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या कहता है, जीरो से पाई, पाई से लेस, जो ये ए पॉइंट ए से लेस होती है जीरो हो जाता है ये, और जैसे ही पाई से ग्रेटर होती जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन कितना हो जाएगा वन, ठीक है। ये तो एज इट इज ही रहेगा, फाइव कोस ऑफ टी यहाँ पर है, फाइव कोस ऑफ टी यहाँ पर है, लेकिन जैसे इस ए से लेस रहेगी टी की वैल्यू, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन जीरो बन जाता है, और जैसे ही इस टी की वैल्यू ग्रेटर देन पाई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये वन हो जाता है। तो इसकी जीरो बना, जीरो किससे मल्टीप्लाई, जीरो आ गया, और वन किससे मल्टीप्लाई, ये फंक्शन आ गया, ठीक है, ये जीरो हो गया टी ग्रेटर देन फाइव के लिए। तो यहाँ पर जैसे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ टी माइनस ए होना चाहिए ना, जैसे यू ऑफ टी माइनस ए, तो टी माइनस ए कब कैसे आएगा, टी माइनस पाई, तो उसके लिए माइनस बार रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे ही कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस तो बाहर आता नहीं है, तो फिर पाई माइनस टी हो जाएगा ना, कोस ऑफ पाई माइनस टी, इसलिए पाई माइनस टी होते ही कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस नेगेटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव बार कर लिया, माइनस फाइव है कोस ऑफ टी माइनस पाई, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बन गया, वही तो बन गया एफ ऑफ टी माइनस पाई यू ऑफ टी माइनस पाई, और वेयर एफ ऑफ टी कितना है माइनस फाइव कोस ऑफ टी, ठीक है। ये फंक्शन में उसमें चेंज कर दिया हमने एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, तो अब इजीली हम यूज कर लेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को, लैपलास एफ ऑफ टी कितना होता है ई की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस, ई की पावर माइनस ए की जगह पाई है माइनस पाई है, और लैपलास एफ ऑफ टी कितना है माइनस फाइव कोस ऑफ टी, तो माइनस फाइव बाहर आ गया, कोस ऑफ टी का लैपलास एस एस स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया, ठीक है, हो गया ना सिंप्लीफाई। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, इसमें चेंज कर लिया, तो फिर डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज कर दिया सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का। ये देखो ये दे रखिए एक्सरसाइज 5.3, सिंपल वही पीस वाइज कॉन्टिन्यूस के क्वेश्चंस दे रखे हैं और वैसे ही करने हैं ये। देखो नाइन्थ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन वही ग्राफ दे दिए, ये ग्राफ जीरो टू ए के बीच में है और फिर ए टू इन्फिनिटी जीरो है, और ये देखो जीरो टू वन के बीच में है ये, और फिर वन टू इन्फिनिटी आगे जीरो है, ठीक है, हो जाएगा। ये इसके आंसर्स दे रखे हैं 5.3 एक्सरसाइज के, ये थी 5.3 एक्सरसाइज। थैंक यू।